ये मत पूछिए, सवर गई तो तकदीर है और बिखर गई तो तमाशा है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल में, यानी कि 30 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 30 अप्रैल 2022 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में शनि अमावस्या पर क्या क्या आपको करना चाहिए है, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है, अमावस्या तिथि है, अश्विनी नक्षत्र रहेगा रात को 8:12 तक। मेष राशि का आज के दिन चंद्रमा रहेगा वहीं पे, राहु काल का समय आज के दिन 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह के 7:35 से 9 बजे तक है और फिर वापस से दोपहर में 1:35 से 4:35 तक है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, वहीं पे पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जो आप काम के लिए निकल रहे हैं वो काम पूरा ना हो पाएगा, पर इसका उपाय जरूर है। तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप उड़द का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा तो जो भी विघ्न है वो रास्ते से हटते चले जाएंगे। आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, मुसल योग, आकृति दंड योग, संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, दरुद्रा योग, अधम योग, उभयचर योग, सफल अमल, कीर्ति योग, भैरी योग, लक्ष्मी योग और अखंड साम्राज्य योग जैसे राजयोगों का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं और ज्यादा विस्तृत तरीके से कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर आपकी कुंडली में राजयोग ज्यादा प्रबल है या दुर्योग ज्यादा प्रबल है, दुर्योग प्रबल होने पे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, इंसान को फेलियर के बाद में फेलियर देखने को मिलता है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहती है जिंदगी में, तो ऐसे में आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कुंडली के अंदर दुर्योग ज्यादा प्रबल है और ये दुर्योगों की दशा जो है ये कब तक चलेगी, क्योंकि अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आता है और बुरे समय के बाद में वापस अच्छा समय आना निश्चित है, पर ये कब समय आएगा कि आपकी मेहनत रंग लाएगी इस पर आपको स्वयं को पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपका कमान होना चाहिए आपकी खुद की लाइफ पर। तो ऐसे में साइड में जो नंबर्स दिए हैं इस पर आप संपर्क करके अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग है और कौन से दुर्योग है, कब इनकी दशा आएगी और कब आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड आएगा। पर ऐसे में ही अगर आप अभी के लिए आकर के स्वयं अपनी कुंडली के साथ में विश्लेषण चाहते हैं सामने बैठ करके, तो आप कलकत्ता में आ सकते हैं 1 से 2 मई तक लगातार, यानी कि 30 अप्रैल 1 मई और 2 मई यहां पे मेरे पिताजी कलकत्ता में आप सभी से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो कुंडली विश्लेषण के लिए इस समय में आप अगर आ सके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा करके तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं खंड ग्रास सूर्य ग्रहण की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन सूर्य ग्रहण है, तो एक बार फिर से इसके शुभ अवसर पर कवच का निर्माण होने वाला है सूर्य ग्रहण के दौरान। जो भी आपकी समस्या है, आपकी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, तो हमारे केंद्र में एक बार आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर के ये जान सकते हैं कि कौन सा कवच आपके लिए सही है। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच है जिनकी जानकारी मैं स्वयं आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, अग्रिम सुरक्षा के लिए आपको महामृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए, अपने माता पिताजी के लिए जरूर ये लेना चाहिए। जो बंधुगण शेयर्स में, कमोडिटी में, फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करते हैं तो उनके लिए धंधा यक्षिणी कवच जो है वो सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। जो आर्थिक मंदी से परेशान है उन्हें अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। छोटे बच्चे जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए सरस्वती कवच पहनना, और जो लोग बड़े हैं यानी कि कॉलेज में जाते हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए अष्ट विनायक कवच पहनना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं उन्हें पंचांगुली कवच धारण करना बहुत ज्यादा शुभ साबित होता है। तो ऐसे में बहुत कवच है, बहुत सारी कामना पूर्तियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हर समस्या के लिए कोई ना कोई कवच तो जरूर बना हुआ है, क्योंकि अगर आप हमारे ग्रंथ देखेंगे, आप
हमारे वेद देखेंगे तो उनमें हर चीज का विवरण जरूर दिया गया है। तो अगर आप भी ऐसी ही कोई समस्या से परेशान हैं और ढूंढ रहे हैं समाधान चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत सही समय हो सकता है एक कवच धारण करने का। हमेशा ध्यान रखिएगा, बीता हुआ कल वापस लौट के नहीं आ सकता, पर आने वाला कल जो है उसको बदलने की क्षमता आपके स्वयं के हाथों में है, आपके कर्मों में है, और अगर उसके साथ में भाग्य का साथ मिल जाए तो क्यों नहीं आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वहीं पे प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ये ओवरऑल सिचुएशन आज के लिए 67% आपके लिए पॉजिटिव बना रहा है। तो ऐसे समय में संपत्ति का सुख मिलना, आनंद मिलना, सेटिस्फैक्शन मिलना, मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होना, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ऐसे ही समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कीजिए, पारिवारिक सुख की बात कीजिए, अपने माता पिता से सपोर्ट की बात कीजिए, चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या मेंटल हो, तो ये आपको सभी सपोर्ट भी जरूर मिलेंगे। और शादीशुदा हैं तो ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर से जो भी आप बात करेंगे उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, पॉजिटिव फेवरेबल रिस्पॉन्स आपको जरूर मिलेगा। काम धंधे की अगर बात करें तो चाहे आप नौकरी करते हैं या खुद का व्यवसाय करते हैं, आज के दिन आपको प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेंगे, या जो आपके पास में वर्कलोड है उसको बहुत ही अच्छे से अपनी क्षमता के अनुसार आप उसको कम कर देंगे। अगर बिजनेस की बात होती है तो प्रॉफिट जरूर कमाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे नए आइडियाज आएंगे, नए नए सोर्सेज से कैसे कमा सकते हैं वो आइडियाज आज आपको जरूर मिलेंगे, और ऐसे लोगों से भी जान पहचान होगी जो आपकी उस चीज में मदद कर सके। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ये 67% सपोर्ट देने का काम जरूर करते हैं, पर ध्यान रखिएगा आज के दिन प्रॉपर्टी की डीलिंग गलती से भी मत कीजिएगा। आज के दिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें टॉर्चर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, आलस भी ज्यादा आएगा और फोकस भी नहीं कर पाएंगे, नींद आप पर ज्यादा हावी रहेगी। और ऐसे में आज के दिन शनि अमावस्या का दिन है, शाम के समय में कोशिश कीजिएगा कि या तो फिर शमी के पेड़ के नीचे आप दिया प्रज्वलित करें, या तो फिर शनि मंदिर जाकर के आज के दिन जो मंत्र आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा उसका जाप जरूर करें। आज के दिन आप पे धन और मान हानि जरूर देखने को मिल सकती है, धन हानि भी हो सकती है, आलस आप पे बहुत ज्यादा रहेगा। जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने वालों पर आज के दिन बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहेगा, आपको फोर्स किया जाएगा, जहां पर आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो भी आप मीटिंग्स अलाइन किए हुए हैं इस हफ्ते की तो वो कैंसिल हो सकती है, किसी ना किसी कारणवश आपको आज के दिन ज्यादा परेशानी देखनी पड़ सकती है। अब वो चाहे अपनी माताजी से सपोर्ट की बात कीजिए, या तो फिर आपने अपनी माताजी को कोई बात बताई है इन कॉन्फिडेंस, वो बात आपकी माताजी आपके पिताजी को बोल दे और पिताजी आप पर हावी हो जाए, या तो फिर गुस्सा कर दें, ये चीज आज के दिन देखने को मिल सकती है। ओवरऑल नेगेटिविटी ज्यादा है, पर 67% सपोर्ट के कारण आज के दिन बाहर निकलने के रास्ते आपको 100 मिल सकते हैं। ऐसे में शुभ रंग आज के दिन रहेगा लाइट ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। तो आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ये 100% सिचुएशन आज के लिए आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। कोई भी नया काम करना चाहते हैं, नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए जानकारी चाहिए है, या तो फिर कैसे काम होता है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए फील्ड की, तो आज के दिन फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल करके उनसे अच्छी नॉलेज आपको मिल सकती है। घर परिवार के अंदर उत्साह का माहौल रहेगा, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, कई नए मेंबर के आने के कारण, या तो फिर किसी बहुत ही प्यारे आपके कोई मित्र हैं, या तो फिर आपके बहुत प्यारे कोई रिलेटिव हैं, उनके अचानक से सरप्राइज के तौर पे आपके घर पे आने के कारण आपके घर में चार चांद लग सकते हैं, घर में सबके सब बहुत खुश हो सकते हैं। आज के दिन विवाह संबंध भी आपका तय हो सकता है। अगर आप युवक या युवती कोई भी है, आपकी बहुत समय से शादी की बात चल रही थी पर शादी नहीं हो पा रही थी, तो आज के दिन ऐसा कोई प्रपोजल आपके लिए आ सकता है जिसको देख करके आप मना ना कर सकें। स्वास्थ्य में भी आज के दिन सुधार देखने को मिलेगा, नई नई चीजें ट्राई करने का आपका मन करेगा, एडवेंचरस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस नेचर आज के दिन आपका रहेगा, और ये क्यूरियस नेचर आपको कहीं ना कहीं पे जीत जरूर दिलवाएगा। ऐसे समय में अगर परिवार के साथ में कहीं यात्रा करना चाहते हैं, कहीं यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा बर्गंडी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ये आपके लिए सिचुएशन 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे समय में जो भी लोग पॉलिटिकल फिगर्स हैं,
पॉलिटिशियंस हैं या तो फिर पब्लिक फिगर्स हैं जिनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ में, चाहे आप इन्फ्लुएंसर्स बोल दीजिए, यहाँ पे कोई ओरेटर्स बोल दीजिए या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे स्पीकर्स हैं, तो उनका यहाँ पे आज के दिन दबदबा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत अच्छे से आपके मैसेज को रेसिप्रोकेट किया जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर आज के दिन आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, दोनों ही तरफ आज के दिन आपके लिए पॉजिटिविटी पूरी भर रखी है। अच्छे प्रॉफिट्स मिलना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे क्लाइंट्स आपके पास में आना, क्लाइंटल आपका बढ़ना, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कई जगहों पे जो जॉब करते हैं उनके रेफरेंस के कारण आपको अच्छे बिजनेस आज के दिन मिल सकते हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा शुभ समाचार सोच सकते हैं आप। ऐसे समय में कोई नई प्रॉपर्टी की परचेज करना या फिर कोई प्रॉपर्टी आपको दिखाने के लिए आपका एजेंट लेके जाए तो उस प्रॉपर्टी पे दिल आ जाना, ये आज के दिन आपको देखा जा सकता है। कोई प्रॉपर्टी को लेकर के आप बहुत समय से सोच रहे थे तो उसके लिए एक अच्छी डील आज के दिन आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में नौकरी में अचानक से बदलाव भी देखने को मिल सकता है, चाहे प्रोजेक्ट की बात कीजिए, अपने बॉसेस की बात कीजिए, आपकी जो पोजिशन है आपके ऑफिस में वो चेंज हो जाए, तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। पर ध्यान रखिएगा, ये जो चेंज है ये पॉजिटिव है, आपके लिए सक्सेस की सीढ़ी है ये, और वही आपके लिए आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल काफी ज्यादा पॉजिटिव दिन है, इसको एंजॉय कीजिए, और यही दिन आगे आने वाले 4 तारीख तक आपको लगातार पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, तो इसका जितना हो सकता है आप यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिर वापस 5 तारीख को यानी कि 5 तारीख की सुबह से आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, जो लगातार आपके लिए रहेगी 6 तारीख की रात तक, तो यहां पे आपको थोड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। तो उससे पहले आगे के लिए अपनी पूरी प्लानिंग आप बिठा लीजिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 9th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे विपत तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, 45% आपको सपोर्ट देने का काम करते हैं। ऐसे में मन में अशांति पैदा होना, बहुत चीजों को लेकर के सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और उस स्ट्रेस के कारण थकान भी हो रही है और आपको यहाँ पे डिप्रेशन जैसा भी फील हो रहा है, ये आपको देखने को मिल सकता है। बेकार के कामों में अपने आप को उलझा लेंगे, कहीं ना कहीं पे अपने आप को बिजी करने की कोशिश करेंगे कि मेंटली अपने आप को डाइवर्ट कर सकें, और उसमें आज के दिन असमर्थ रहेंगे। मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। ऐसे समय में खास तौर पर अपने दोस्तों से, अपने बहुत ही अजीज मित्रों से और अपने परिवार वालों से सोच समझ करके बात करने की जरूरत है कि क्या आप शेयर कर रहे हैं, चाहे इमोशनल ही है पर क्या शेयर कर रहे हैं उसके बारे में जरूर सोचिएगा कि जो आप शेयर कर रहे हैं कहीं यही इंफॉर्मेशन आपके अगेंस्ट ना यूटिलाइज कर ली जाए। ऐसे में हेल्थ वाइज भी आज के दिन एसिडिटी की परेशानी होना या तो फिर डाइजेशन से परेशान होना, खाने में कोई गलत चीज आ जाना, तो इससे आप परेशान होकर के और ज्यादा अपने दिन को बुरा कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा 45% सपोर्ट जो है वो बात यही है कि अपने मेंटली अपने माइंडसेट को चेंज कर लेंगे। जैसे ही आप अच्छे हैप्पी थॉट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप चीजों को सुधारने का आपको मौका यहां पे मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, ये आपके लिए सिचुएशन 67% सपोर्ट की बनाते हैं। तो आज के दिन घर में सुबह उठते ही कोई ना कोई परेशानी देखना, खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर से, अगर लाइफ पार्टनर नहीं है तो घर की महिलाओं से आज के दिन खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। चाहे आप लेट उठे हैं इस बात को लेकर के आपकी माता जी का डांटना हो जाए या तो फिर आपकी जो बहन है उनके साथ में किसी बात को लेकर के झड़क हो जाए, तो ये आपके दिन को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ा सकती है। आज के दिन अपने पिताजी से क्या बात होती है उसके बारे में जरूर सोचिएगा, और जो भी बात हो रही है वो जो भी बोले, चाहे हां हो या ना हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको बस सिर हिला करके हां बोल करके वहां से निकलने का आप काम कीजिएगा। अगर कहीं पे भी आपने वापस क्रॉस पॉइंट किया या क्रॉस क्वेश्चन किया तो आपके लिए सिचुएशन बदतर बन सकती है, खराब हो सकती है, और आपको फिर आज का दिन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव परिणामों के साथ में गुजारना पड़ सकता है। ऐसे समय में लाइफ पार्टनर अगर है तो उनसे बहुत सोच समझ करके बात करने की जरूरत है। और आज के दिन शनि अमावस्या है तो ध्यान दीजिएगा कि शाम के समय में हो सके तो शनि मंत्र इस एपिसोड के अंत में जो आपको बतलाने वाला हूं उसका आप जाप जरूर करें। आज के दिन शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
अब बात करते हैं तुला राशि की। तो सेवंथ हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव बना रहे हैं, तो ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिन है। आज के दिन आपको गेन जरूर मिलेगा, चाहे आप बिजनेस करते हैं और अगर जॉब करते हैं तो आपके जो क्लाइंटल है वो आपको आगे से आगे रेफर करके आपके काम यहाँ पे बनवाने के काम करेंगे, आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान होंगे। ऐसी समय में आज के दिन देखा जा सकता है कि जो भी यंगस्टर्स हैं ऑपोजिट सेक्स के साथ में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, और काफी हद तक ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो आप हाथ आगे बढ़ा रहे हैं इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। सुख सुविधा में आज के दिन कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी, मॉनेटरी गेन आपको जरूर मिलेगा, और खासतौर पर घर की महिलाओं के साथ में आज के दिन रिश्ता बहुत ज्यादा प्यारा रहेगा, मिठास भरी रहेगी। आज जो भी आप काम करेंगे खासतौर पर बाहर के लोगों से आपको सपोर्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो लोग ज्योतिषी सीख रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए सिक्स हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, ये 67% आज के दिन सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो आज के दिन ये पॉजिटिविटी आपके लिए ज्यादा लेके आ रहा है। कोई भी काम, कोई भी इंसान के साथ में आपका कोई झगड़ा चल रहा था, कोई भी काम आपका अटका हुआ था, तो आज के दिन वो समाप्त हो सकता है। जो काम अटका हुआ था वो आगे बढ़ सकता है। जो इंसान के साथ में बोलचाल मन थी या तो फिर मन मुटाव ज्यादा था, तो आज के दिन अगर आप कोशिश करें, बात यही है, अगर आप कोशिश करें तो ये मन मुटाव खत्म हो सकता है। कर्ज मुक्ति भी आज के दिन आपको मिल सकती है। कोई भी रोगों से परेशान थे, कोई भी हेल्थ वाइज आपको समस्या चल रही थी, तो उससे भी आज के दिन छुटकारा जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में सट्टे से लाभ आपको जरूर मिल सकता है, पर ध्यान रखिएगा आज सिक्स हाउस का चंद्रमा जरूर है पर शनि अमावस्या भी है, तो ऐसे में आज गलती से भी आप सट्टा ना खेलें। चाहे आप भारत के बाहर रहते हैं, खास तौर पर उनके लिए ही बात करते हैं कि आज के दिन सट्टा गैम्बलिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये शनि महाराज को पसंद नहीं है और इसके कारण आपको उनका दंड सहना पड़ सकता है। ओवरऑल काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है, आपको काफी ज्यादा गेंस देखने को मिलेंगे। खासतौर पर जो भी बच्चे हैं आज के दिन इंटरव्यू देने वाले हैं अपनी जॉब के लिए, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार दिन साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की बनाते हैं। तो ऐसे में संतान से दुखी होना, उनकी शिक्षा को लेकर परेशान होना, अपने लाइफ पार्टनर की नॉन सीरियसनेस को लेकर के, या तो फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, उन चीजों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं कि इंसान आप एक ही हैं, हाथ आपके पास में दो ही हैं, काम कर करके भी कितना कर लेंगे और सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस को मैच ही नहीं कर पा रहे, उसके कारण भी आप अपने आप को आज के दिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पाएंगे या तो फिर बहुत ज्यादा थका हुआ पाएंगे। आज के दिन आपको खास तौर पे यहां पे शराब से दूर रहना है, कोई भी नशे आदि से आपको दूर रहना है, मांस मच्छी खाते हैं तो उससे भी दूर रहने की जरूरत है। और ऐसे में आज के दिन किसी भी दूसरे इंसान को लेकर के गुस्सा ना हो, दुर्भावनाएं अपने अंदर ना उत्पन्न करें, जितना हो सके अपने आप को यहां पे सात्विक रखने की कोशिश करनी है आपको, ताकि जो भी आपको बुरे फल है उससे छुटकारा मिल सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए फोर्थ हाउस का चंद्रमा है, पर वहीं पे मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स, या आपके लिए सिचुएशन को आज के दिन 67% सपोर्ट का बनाते हैं। ऐसे में अपने बहुत ही अच्छे मित्रों से कोई कंफ्यूजन हो जाना, या तो फिर कोई दूसरे की बात को सुनकर के एक दूसरे के बीच में यहां पे गलत फहमी पैदा हो जाना, यह आपको देखने को मिल सकता है। खास तौर पे जो भी यंगस्टर्स यहां पे अनऑफिशियल रिलेशनशिप्स में, यानी कि अनऑफिशियल का मतलब जो शादीशुदा नहीं है, उसके अलावा जो भी रिलेशंस में है, तो ऐसे में आज के दिन आपको बहुत ज्यादा बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में है उनसे किसी चीज को लेकर के गर्मा गर्मी हो सकती है और आपके ऊपर कानूनी मामले भी दर्ज हो सकते हैं। इस बात को लेकर के आप ज्यादा सावधान रहें। आज के दिन फाइनेंशियली भी लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। जो काम करते हैं वो काम पूरे ना हो, या तो फिर एक के बाद में एक डिले होता जाए, तो इससे आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो सकता है और मेंटली बहुत ही ज्यादा आप यहां पे परेशान हो सकते हैं। ऐसे समय में अपने सीनियर से खरी खोटी सुनने के कारण आपके जूनियर्स में भी आपका सम्मान कम होता नजर आ सकता है, और ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉब्लम ज्यादा आज के दिन देखने को मिलेगी, पर उससे समस्या जो है वो आपकी खत्म नहीं हो रही है। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आज आज की बात है। जैसे वृषभ राशि का चंद्रमा आ जाएगा आज रात को, आपके लिए पॉजिटिवनेस चालू हो जाएगी, या ये बोला जाए एक रिकवरी मोड जो है वो आपके लिए चालू हो जाएगा। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं
कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स ये आपके दिन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा शानदार दिन बना देते हैं। ऐसे में धन प्राप्ति होना, इन्वेस्टमेंट से लाभ होना, सुख सम्मान मिलना, अपनी सोसाइटी के अंदर आपको अप्रिशिएट किया जाना, आपको नए रोल्स देना या तो फिर एक आपको पोजिशन देना जहां पर अथॉरिटी है आपके पास में, ये आपको देखने को मिल सकता है। हर क्षेत्र में सफलता मिलती है ऐसे समय में और खास तौर पे जो भी लोग आज के दिन जॉब पे जाने वाले हैं उनके लिए आज के दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिद्ध हो सकता है। हेल्थ वाइज आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली, उल्टा आज के दिन अपने माता पिता की सेवा में आप अपना दिन गुजार सकते हैं। संतान से भी बहुत ज्यादा लगाव महसूस होता है ऐसे समय में और ऐसे ही समय के अंदर अपने लाइफ पार्टनर को लेके भी आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या डिमांड्स है, उनको पूरा करने में। आज के दिन शुभ रंग आपके लिए रहेगा ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट मिल रहा है, पर 1 तारीख लगने तक का आपको इंतजार करना है। जैसे 1 तारीख आपके कैलेंडर में लगेगी, आप सुबह उठेंगे उसके साथ में आपको पॉजिटिवनेस जरूर देखने को मिलेगी और पॉजिटिवनेस लगातार चलेगी 4 तारीख की रात तक, तो वहां तक आपको लगातार पॉजिटिवनेस जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे में आज के दिन आप क्या एक्सपेक्ट करें, आपको मेंटली अनसेटिस्फैक्शन ज्यादा महसूस होगा। आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हैं, चाहे आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त भी हैं, आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ में बैठे हैं, पर तो भी उनके साथ में कहीं पर भी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपके सामने आपका फेवरेट डिश आपके सामने रख दी जाए, आपकी माताजी ने स्वयं आपके लिए आपकी सबसे पसंदीदा सब्जी बना दी हो, तो भी उसको खा करके सैटिस्फैक्शन आता है, प्यार महसूस होता है माताजी का, वो आपको देखने को आज के दिन नहीं मिलने वाला। ऐसे में आपके अंदर लालच प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा आज के दिन भारी रहेगी, विवाद और झगड़े के अंदर आप फंसते चले जाएंगे। यहां पर ध्यान ये रखना है कि स्वयं को थोड़ा पेशेंट रखना है, थोड़ा धैर्य अपने आप में बनाए रखना है और सामने किसी का कोई झगड़ा हो रहा है तो उसमें खुद करके कोई न्यायाधीश बनने की कोशिश ना करें। सामने वाले के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश में आज के दिन स्वयं के साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, तो इसमें आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खुद की हेल्थ को लेकर के भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है और ऐसे में आंखों के अंदर धुंधलापन या तो फिर आंखों पर चोट लगने की संभावना आज बहुत ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि आज के दिन यानी कि शनि अमावस्या पर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मान्यता ऐसी है कि सूर्य राजा है, बुध मंत्री है, मंगल सेनापति है, वहीं पर शनि न्यायाधीश है, राहु और केतु है प्रशासक, गुरु है अच्छे मार्ग का प्रदर्शक, चंद्र है माता और मन का प्रदर्शक, वहीं शुक्र है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति तथा वीर्यबल। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है और बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद में उसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या तो फिर ना किया जाए। तो यहां पे बात आती है कि शनि को क्या पसंद है और क्या नहीं है। शनि को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, शराब पीते हैं, ब्याजखोरी करते हैं, पर स्त्री गमन करना, अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा चाची माता पिता सेवकों और गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, तहखाने की कैद हवा को मुक्त करना, भैंस या भैंसों को मारना, सांप कुत्ते और कौओं को सताना, ये सभी बातें शनिदेव को पसंद नहीं है। वहीं पे शुभ शनि की निशानी क्या है, तो शनि की स्थिति यदि शुभ है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देखने को मिलता, बाल और नाखून मजबूत होते हैं, ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में मान सम्मान खूब पाता है। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण मकान या मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है और नहीं तो कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक जाता है। अंगों के बाल तेजी से झड़ जाते हैं, अचानक आग लग सकती है, धन संपत्ति का किसी भी तरह नाश हो सकता है, समय पूर्व दांत और आंख की कमजोरी आ सकती है। तो ऐसे में
शनि अमावस्या के दिन आप क्या कर सकते हैं कि अशुभ फल से आपको यहां पे मुक्ति मिले? तो सबसे पहले तो शनिवार के दिन आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, शनि कवच का, शनि स्तोत्र का, शनि चालीसा, शनि मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शनि व्रत कथा पढ़ना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं पे व्रत में दिन में दूध, लस्सी और फलों के रस आप ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय में हनुमान जी या भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। काले उड़द दाल की खिचड़ी, काला नमक मिला करके या उड़द की दाल का मीठा हलवा आप स्वयं खा सकते हैं। ऐसे में आपको बताता हूं कि पौराणिक शनि मंत्र क्या है, तो वो कुछ इस प्रकार है। ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्चरम। वैदिक मंत्र ओम शनो देवीर भिष्टे आपो भवंतु पितये शयोर भिस्त्र वंतुनः। तांत्रिक मंत्र जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर मंत्र जो है, जो हर किसी को मालूम होगा, वो है सबसे सामान्य मंत्र शनिदेव का, ओम शम शनेश्चराय नमः। इनमें से जो भी मंत्र आपको सही लगे, जिसका उच्चारण आप सही से कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी समस्या ना आए, उस मंत्र का आपको जाप करना जरूर है आज के दिन। तो अब दान क्या करना चाहिए, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, उनको सबसे ज्यादा पसंद ऐसे लोग हैं जो दान करते हैं। तो आज के दिन शनि की प्रसन्नता पाने के लिए उड़द का तेल का, इंद्रनील का, या तो फिर जिसे नीलम कहा जाता है, तिल के तेल, कुल्थी, भैंस, लोहा, दक्षिणा और काले कपड़े, काला कंबल, काला छाता और काले जूते, ये आप दान कर सकते हैं। किसी भी शनि मंदिर में शनि की वस्तुएं जैसे कि काले तिल, काली उड़द, काली राई, काले वस्त्र, लोहा, आप यहां पे दान कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बेहतरीन तो यही होगा कि किसी अपंग को आप दान करें। हो सके तो जो भी, अगर आपके घर के आसपास में ऑर्फनेज है वहां पे जाकर के, या तो फिर जो बूढ़े बुजुर्गों का ओल्ड एज होम है वहां पे जाकर के उनकी मदद जरूर कीजिएगा। इससे शनि सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब बात होती है शनि का रत्न क्या है और कौन सा धातु है। तो शनिवार के दिन शनि तेतीसा यंत्र की अंगूठी पहनना, नीली जड़ित शनि यंत्र का पेंडल या काले घोड़े की नाल या नाक की सतह की कील, ये आप इसका छल्ला बनवा करके मध्यम अंगुली में धारण कर सकते हैं। हर शनिवार सूरमा, काले तिल, सौंफ, नागरमोथा और लोध, ये मिले हुए जल से स्नान करनी चाहिए आपको। आशा करता हूं कि शनि अमावस्या के दिन आप में से जो भी लोग शनि साढ़े साथी से, शनि की ढैया से परेशान है, या जिन पे शनि ढैया अभी अभी लगा है और शनि की साढ़े साथी स्टार्ट हुई है, तो वो ये उपाय करने की जरूर कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, अगर आपकी शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो ऐसे में जब तक साढ़े साथी समाप्त नहीं होती, वहां तक हर शनिवार को आपको कोई ना कोई शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। शनि की अगर आप चाहते हैं कि आप पे दया दृष्टि बने, आपको अच्छे फल मिले, आपका जो शनि की साढ़े साथी का समय है ये आराम से गुजरे, तो आपको जरूर दान और उपाय करने चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि शनि की साढ़े साथी या ढैया में इंसान को कष्ट मिलता है। ये कष्ट नहीं है, ये प्रिपरेशन है, ये सीख है, एक लेसन है जो आपको शनिदेव सिखाते हैं कि जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, जिंदगी में कितने संघर्ष आते हैं और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो परिश्रम कैसे करना होगा। तो शनि की साढ़े साथी इंसान को यही सिखाती है, बस बात यह है कि सिखाने का तरीका जो है वो थोड़ा क्रूर है। जैसे कि पिताजी जब सिखाते हैं तो डांटते भी हैं, तो ऐसे ही जब शनिदेव भी सिखाते हैं तो बार बार गरवाते भी हैं। बात यही है कि सीख लेने से अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब शनि की साढ़े साथी खत्म होती है तब बात यही है कि तीर से जब पीछे खींचा हुआ कमान छोड़ा जाता है तो कितनी स्पीड से आगे बढ़ता है, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। जय श्री राम, जय शनिदेव एवं जय हिंद।